प्रोग्राम में 19 मार्च 2021 लाइट माइल और मिडल माइल सेक्टर के लिए समर्पित हापर लोकल 3MPL कंपनी जिंगो ने एक इलेक्ट्रिक वाहन ने एक प्रमुख प्लेटफॉर्म सन मोबिलिटी के साथ साझेदारी की। इस लाइव इवेंट के दौरान दोनों कंपनियों ने अपनी साझेदारी और गुरुग्राम में अपने साझा ऑपरेशन का ऐलान किया। इस साझेदारी के अंतर्गत जिंगो की फ्लिट ई के लीडर कार्य मोबिलिटी की एक ऊर्जा सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे। स्वैप फ्लाइट्स के एक नेटवर्क के जरिए IOCL स्टेशनों पर इसका लाभ उठाया जाएगा ताकि लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस को बेहतर बनाया जा सके। फिलहाल इस साझेदारी के तहत 4 शहर गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में 120 गाड़ियों को तैनात कर दिया गया है। जिंगो के संपादक और CEO प्रतीक यादव ने कहा है कि हम किफ़ायती दर पर अपने उपभोक्ताओं को प्रदूषण मुक्त और बिना रुकावट डिलीवरी देने का लक्ष्य रखते हैं। हम जिंगो ऐप के जरिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के मालिक और फ्लीट ऑपरेटर लास्ट माइल बिजनेस में हमारा उपभोक्ताओं तक पहुँच सके। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत एक छोटा सा कदम है जो कल एक बड़ी छलांग ले बनेगा। सन मोबिलिटी के साथ साझेदारी के जरिए हमारा लक्ष्य है EV ड्राइवरों के लिए चार्जिंग की एक पूरी संरचना प्रदान करना ताकि उनके काम में रुकावट ना आए। हरियाणा सरकार गुरुग्राम के व्यवस्थित विकास का विजन लेकर चलती है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी अहम फोकस है। गुरुग्राम को देश की सबसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रदूषण को कम करने के, रोजगार पैदा करने और शहर को हरा भरा बनाने का जो सपना देखा है उसमें जिंगो और सन मोबिलिटी की ये साझेदारी एक महत्वपूर्ण कदम है। उस चाबी को यूज करके ड्राइवर यहाँ पर टैप करते हैं, जैसे ही टैप किया इस स्टेशन में एक एम्प्टी स्लॉट ओपन हो जाता है। उस स्लॉट में जो व्हीकल के अंदर जो खाली बैटरी थी उसको हम इंसर्ट करते हैं। ये सन मोबिलिटी की बैटरीज के अंदर GPS है, GPRS है, ये बहुत लाइट वेट है। जैसा कि आपने देखा कितनी आसानी से व्हीकल से लेकर स्टेशन तक हमारे ड्राइवर साहब ने बैटरी को ले आया था, क्योंकि इसके अंदर GPS और GPRS है, ये पूरी तरीके से सिक्योर होती है। बैटरी स्वैपिंग का जैसे चेतन सर ने बताया जो एडवांटेज मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आपने गुरुग्राम में एक बड़ी सफलता हासिल की है, आपने अपनी कंपनी का नाम बताया जी। पहली बात तो नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर इवेंट। तो हमारी जो शुरुआत है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ई मोबिलिटी को लेकर। हम प्रमोट करना चाह रहे हैं गुड़गांव में, हरियाणा में और इंडिया के बहुत सारे शहरों में, और हम बहुत ज़्यादा जो हमारे ड्राइवर तबका है और हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं या लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको रोज़ डिलीवरी की सर्विस की ज़रूरत होती है वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ई मोबिलिटी पे स्विच करें। तो उस स्विच के लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि जो भी हमारे लोग हैं जो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाएंगे उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रोज़गार और एश्योर्ड बिजनेस इनकम, कि उनको एक आमदनी ऐसी हो जिससे कि वो उस व्हीकल को सर्वाइव कर सके और अपना घर चला सके। तो सबसे बड़ा जो हमारे को एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लोग थोड़ा सा डर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में, उनको एक्सेप्ट करने में। तो इसीलिए हम लोगों ने, जिंगो ने और सन मोबिलिटी ने एक साथ होकर इन दोनों प्रॉब्लम्स को वर्क करने की कोशिश करी है। जिंगो एक ऐसी कंपनी है, एक स्टार्टअप है जो अपनी एक ऐप लेके आ रहा है और वो बेसिकली ड्राइवर्स को बहुत मजबूत बनाना चाहता है। बिकॉज जिंगो के पास जितना भी मार्केट से जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़ायदे बताना, उनको कन्विंस करना कि सर आप लोग भी अब हमारी ज़रूरत है कि हम लोग गो ग्रीन जाएं और हमारा पोल्यूशन कम से कम हो और डिलीवरीज और बेटर हो, कस्टमर्स को माल और जल्दी मिले और सस्ता मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो उन चीज़ों को पुश करके Zingo बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है एंड अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो। और जो ये हमारे सन मोबिलिटी है, वो हमारी सबसे बड़ी इशू जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, उसको रिजॉल्व कर रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हर जगह होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूजेज और वो बहुत आरामदायक हो जाता है। तो ये हमारी एक कोशिश है, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक हम 250 से 300 व्हीकल अपने प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं एक साल में, और हमारी उम्मीद है कि इस साल हम 1000 से ज़्यादा गाड़ियां इन प्लेटफॉर्म पे चला पाएँ। जी बिल्कुल। सो हमने जो अभी पहले तो हमने शुरुआत ये करी है कि हम नई एज की बड़ी बड़ी कंपनियों से शुरुआत करें। सो हमने कोशिश करी है जैसे कि कंपनीज लाइक अमेजोन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, रिलायंस की, इन सारी कंपनीज़ को हम कन्विंस कर रहे हैं कि जो ये डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है, फ्लिपकार्ट जो हम ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं या ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, वो हमारे दरवाजे पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स के थ्रू ही पहुँचे। तो अभी स्टार्टिंग में हमारा कोशिश ये है कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर प्लेटफॉर्म्स को ही जरिया बनाया जाए, बट आगे चल के फोर व्हीलर्स और बाकी व्हीकल्स को भी ऐड किया जाएगा। इन कंपनीज़ को कन्विंस करने में जो सबसे बड़ी हमारी वो है कि अर्ज है कि एक तो ये हमारे व्हीकल्स पोल्यूशन फ्री हैं, तो जिससे कि इन कंपनीज़ को भी एक महत्व मिलता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही हैं जिनसे कि पोल्यूशन कर्व हो और कम हो। और दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा रोल है इनको कन्विंस करने में, हम इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फ़ायदे बता रहे हैं कि इनको वही डिलीवरी अब बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में मिलेगी। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है दोनों फैक्टर्स की वजह से कि ये कंपनीज कमर फॉसिल फ्यूल जैसे कि डीजल और पेट्रोल और सीएनजी वाले व्हीकल से स्विच कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपका टारगेट कितना है, कितनी कंपनियों को आप लेना सोचा है? तो मैम हमारा टारगेट ये है कि हमने पहले टारगेट में कोशिश करी थी कि हम बड़ी से बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करें और इन माध्यमों से हमारा एक प्रोडक्ट का, हमारी सर्विस का एक रिजेंबलेंस हो मार्केट में, वो दिखने लगे। उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि जैसे जो अपने रोज़मर्रा के ब्रांड्स हम देखते हैं, चाहे वो ताज होटल हो, हल्दीराम हो, चाहे वो सबवे हो, चाहे वो विजय सेल्स हो, क्रोमा डिजिटल हो, इस तरीके की ब्रांड्स को भी हम कन्विंस करें कि आपको जो भी अपना सामान शहर के अंदर अंदर डिलीवर कराना है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आखिरी अंतिम गोल ये है कि हमारी जो ऐप है वो इतनी बड़ी हो जाए कि कोई भी आम नागरिक उस पर कोई भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बुक करके अपना कोई भी सामान छुड़वा सकता है। मैम अभी तक कोशिश रही है, एक साल में हम लोग 300 लोगों को रोज़गार दिला पाए हैं अपनी कंपनी से, अपनी शुरुआत से, और हमारा उम्मीद है कि इस साल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारी कोशिश है कि हम 1500 से ज़्यादा लोगों को इस इनिशिएटिव में अपने साथ मिला पाएंगे और उनको रोज़गार और एक एश्योर्ड इनकम और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिलाने की कोशिश करें। नाम दर्ज है जी। सीएम साहब जी मनोहर लाल खट्टर जी का हमारे को बहुत सहयोग है, उनका आशीर्वाद है, उनका हमारे को हमेशा से एक मार्गदर्शन मिला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी उनको कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं कि जैसे बहुत सारे स्टेट्स में ईवी पॉलिसीज आ रही हैं, ईवी के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, सब्सिडीज लाई जा रही हैं, तो हमारी उनको यही गुजारिश है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी हमारे स्टेट में भी ऐसी पॉलिसीज लाएं जिससे बहुत जल्दी जो गुड़गांव है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्टेस्ट शहर बन पाए और हरियाणा में हर शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो। सन मोबाइल ने यहाँ पे एक शुरुआत करी है कंपनियों के लिए भी और रोज़गार के लिए भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत अच्छा स्टैंड है, गो ग्रीन, सफाई के लिए और कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा सराहनीय कदम है कि सन का और Zingo मोबिलिटी का जो पार्टनरशिप के अंदर जो उन्होंने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स बनाए हैं और साथ में जो उनके ड्राइवर जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं, वो मतलब कहता हूँ कि इससे गुड़गांव की बेरोजगारी भी खत्म होगी और गुड़गांव जो है ग्रीन भी होगा और पोल्यूशन। सर सरकार की कैसी भागीदारी है पोल्यूशन को कम करने के लिए? सरकार की भागीदारी से ही हो रहा है कि सरकार की भागीदारी पॉल्यूशन को ख़त्म करने की है
कम नहीं करना, खत्म ही करना है और इसके लिए अच्छा स्टेप। सर, कोरोना के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं गुरुग्राम में, तो उसको लेकर आप कितने ज़्यादा? देखिए, दवाई आ गई है, दवाई लगवाने के लिए मैं तो सबसे अपील करूँगा कि भी आप दवाई लगवाएँ, इंजेक्शन लगवाएँ और मास्क वो रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। सर, लॉकडाउन लगता जा रहा है हर सिटी में, क्या लगता है गुरुग्राम में भी इस तरह का कुछ आने वाले दिनों में? लॉकडाउन की कोई सिचुएशन कभी जा रही है सर? वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम है, उसके लिए जागरूक सरकार कहीं ना कहीं तरीके से नहीं कर पा रही है सर? नहीं, देखिए, गुरुग्राम के अंदर बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने कल एजुकेशन मिनिस्टर ने लगवाया है, तो मैं तो समझता हूँ किसी तरीके से ही होगा और अभी तो काफ़ी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी लोगों से एक बार अपील करूंगा कि वो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, होली आ रही है, वाले टाइम में गो ग्रीन को लेके आपके और किस तरीके के प्लान्स हैं? देखिए, गो ग्रीन का तो हमारे जो काम है वो ऐसे ही जैसे सन ने और जिंगो ने जो है किया है, इसी तरीके से हमारा जो भी स्टेप आए वो हम उसकी तरफ से बढ़ाएँ। सर, होली आ रही है, होली को लेकर किस तरह की तैयारी अपने शहर को लेकर? शहर को होली कल जैसी तैयारी होती है वही है, लेकिन अब कैसे संख्या कम रहेगी, इस तरीके की संभावना भी है और मैं कहता हूँ कि संख्या कम ही रहेगी ज़्यादा। अकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।